ए बासु, ये देख, ये नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, कुछ आ रहा है हमको ले जाने के लिए। ट्रायल रन कर रहा होगा, जल्दी कीज। ठीक हो, क्या हुआ? सेनगुप्तो, सेनगुप्तो, ये कैप्सूल है, मौत का कुआं। अरे सेनगुप्तो, तुम घबराता क्यों है? जाओ, सब मरेंगे। पहले तो मकई से नीचे उतारा और अब ये कैप्सूल। अरे सेन सर का ऑर्डर है। अरे जम जाए सेन, जम जा। बैंको टाइगर बोल बोल के अपना बकरा बनाता है। ये बकर और सेन को भेज। सेनगुप्तो, सर कमजोर निकला सर। सर डोंट वरी सर, आई हैव रॉय, अनदर रॉयल बंगाल टाइगर। ये रखो आप। रॉय, सर ये भी कमजोर निकला सर। बाबूजी आपका होगा। ऐसा क्या होगा? क्या क्या हो रहा है पासु? जरा रुको, धीरज रखो। सर आपने बुलाया, आप डिसाइड करो आपकी टीम में से कौन सा रेस्क्यू ऑफिसर नीचे जाएगा। सर अकॉर्डिंग टू DGMS रूल बुक 5 लोगों को नीचे जाना चाहिए, वो भी स्ट्रेचर के साथ। इस कैप्सूल में तो इतना आदमी नहीं। बासु ये कोई रूल्स कोड करने का वक्त है? आई एम सॉरी टू से सर, बट DGMS का रूल बुक तो ऐसा ही बोलता है। कोई नहीं जाएगा। सर आई वुड हैव श्योरली गॉन डाउन सर। सर हम फिट नहीं आएगा इसमें। I realized that. अब कौन नीचे जाएगा? दोनों ऑफिसर भाग गए अम्मा। ओ साहब, अब पानी भर रहा है कीचड़ हम लोगों के ऊपर। कौन बचाएगा हमें? उज्जवल सर, अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैं नीचे जाना चाहता हूँ सर। नो नो, वी कांट बी सो सेल्फिश सर। गिल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इतने टैलेंटेड ऑफिसर को नीचे भेज के उसकी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं कर सकते सर। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर, बट आई प्रॉमिस यू सुबह की चाय मैं आपके साथ आके पीऊंगा, ठीक? ए धन गुरु नानक परमपिता, अज तुहाडे इस निमाने जी सिख लई इम्तिहान की घड़ी है, और इस इम्तिहान की घड़ी विच मारा अंग संग रह के सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के मैनू कामयाब होने का बल बख्शना। मजलूमा की जान बचांदिया जे मेरी जान भी उन्होंने लेखे लग जाए तो मैनू अपने चरणों विच थां बख्शना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। गिल, जब तक क्रेन यहां नहीं पहुंचती नीचे कुछ भी हो सकता है। मेरे यारा एक बार फिर सोच ले। सोच लिया, नीचे जाता हूं। ख्याल रख। माता रानी सतर्क के रक्षा कर रहा। हाँ लाली, अरे रास्ता नीचे आ रहा है। गिल साहब,
देख रहे सर, ये घोंसला और उसके अंदर की चिड़िया दोनों नीचे तक नहीं पहुंच पा गया सर। घबराओ मत, जल्दी लाल सब बोल, जल्दी कर लॉक कर, जल्दी ला लॉक कर, मार हटाओ ना जोर से, अरे और जोर से पकड़ लो। यारो हो गया लॉक। लोल माता ने बचा लिया, धरती माता जान दो जान दो, रस्सा फिर से नीचे आ रहा है। ये क्या चीज है, ये घोड़ा का है? तुम तो बोले थे पास से सीढ़ी आएगा, ये यंत्र का है। कोई है का अंदर? पकड़ लो पकड़ लो, लगता है कोई अंदर है। ध्यान से बजरंग बली की। कौन हो साहब, आप मिलिट्री से हो का? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने भेजा है का आपको? पक्का गोवर्धन बाबू ही भेजे होंगे। रुको एक मिनट जरा, साहब आप कहाँ से आए? बताइए ना, बताइए ना साहब कहाँ से आए? कुछ तो बोली। मैं ऊपर से आया हूँ, सुना आप लोग यहाँ पिकनिक बना रहे हो, मैं बोला चलो आप लोगों के साथ मैं भी आ जाता हूँ। मजाक किया है साहब। यहाँ पाशु कौन? हम हैं साहब। शाबाश साहब, ये देखिए ना पानी यहाँ तक आ गया साहब, हम लोग यहाँ से निकल तो जाएंगे। हाँ सर बताइए, निकल तो जाएंगे, बताइए ना, बोलिए ना, बताइए ना, बताइए ना। कौन रोक सकता है आप लोगों को? चंद घंटों में आप लोग अपने अपने परिवार के साथ होंगे, ठीक? सच्ची जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। सबसे ज्यादा जिसको मार लगी है वो सबसे पहले जाएगा। हाँ साहब वो, अरे भोला क्यों जाए? बोलिए। वो शालिग्राम साहब, ये तो शालिग्राम का नाम ले रहा है। देखिए ना साहब, इसके पैर में बहुत बुरी चोट लगी है और पूरा पैर भी चढ़ रहा है। हम कमेंगे। इनका पहले भेज दीजिए साहब। साहब हमारी बात सुनिए, बहरा पहले चलिए। साहब आप भगवान, अरे 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 ताड़ा तड़ी अंदर घुसो, नहीं तो असली का भगवान से भेंट होगा। चलो आराम से, अरे जल्दी जा शालिग्राम, जल्दी जा शालिग्राम, ऊपर मिलते हैं। डरना मत शालिग्राम। नंबर प्लेट तक गैस आ गया है। दूर दूर तक नहीं है। आराम चाहता। भोला क्या हो गया भैया? मार डालूंगा। काहे मार रहा है? अरे भोला छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे छोड़ हमको छोड़। रह गया क्या बे? ये झूठा मैनेजमेंट का दल्ला हम सबको झूठ बोला रे। हम खुद अपने आंख से देख के आए हैं। अरे गैस बन रहा है, वो भी कार्बन गैस। हम सब के सब फड़फड़ा के मरेंगे बे। और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब वो बखत आ गया है,
कि मैनेजमेंट पे आप चढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ बोला, ठीक बोल रहे हैं। कब होगा भाई? बोला बात सुन, बात सुन। काय बवाल बेचारा बोला? शालिग्राम भाग तू। हे पशु, जो हमरे सर पे ना काली माई चली। बोला तू समझ नहीं रहा है? देख तो हट जा। अरे मैनेजमेंट का चमचा। बोला बात 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 सुन भोला। हेलो, हम भोला बोल रहे हैं। हमको पता चल गया यहाँ गैस बन रहा है। हमको साहब से बात। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं बोला गया का? हमको साहब से बात कर रहा है। मैनेजमेंट हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, तू कहे अपने शालिग्राम? ये मोहला मैनेजमेंट का बात करना बंद कर दे। अरे सब चुप, ये छोड़ छोड़ छोड़। अरे दूर आ गई कुत्ता, दूर रहा है हमसे। तोरी मैया का भाग में अबे पगला के का शादी में हाथ उठ रहता है। गजब हो गया मोहला की चटदार। तू ठीक है पास आराम से उठ। उठ, हमको धक्का मारा। तुम लोगों पर पैल पुत्री करेगा कासिम। सर माइनस को पता चल गया किसके बारे में। क्या सरदार जी आ रहे हैं? नमस्ते सर। नीचे से शिकायत आई है कि आप लोग घर से चटपटा खाना नहीं भेज रहे। अच्छा, क्या हो रहा है ये? वो डॉक्टर लोग मना किए थे ना। अरे हमने उनको समझा दिया है, वो मान गए हैं। अब घर जाइए और फर्स्ट क्लास खाना बना के लाइए। हम हलवा लाऊंगा, आप भी खाइएगा। हाँ, मैं भी खाऊंगा। कचौड़ी बना के लाएंगे आप। कैसा हो आप सब लोग? क्या नया है? मेरा नाम जसवंत सिंह गिल है। आप ही की तरह एक मरकट्टा हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी साहब, सुनाई दे रही है आवाज। जी साहब। देखिए, आप लोगों को थोड़ा साहस रखना होगा ताकि हम आपको आपके घर वालों से भेंट करा सके। सुन लो, मैनेजमेंट का एक और नया टट्टू झूठी कहानी सुना रहा है बगैर कहीं। सारे माइनर्स और भोला सुनिए, पाशु ने हमारे कहने के कारण ही आप सभी को झूठ बोला है। अगर गैस के बारे में पहले से ही बता देते तो आप सभी का चेहरा तो टेंशन से फूल जाता। और आप सभी जानते हैं, फूला हुआ तो सिर्फ पूरी अच्छा लगता है ना, वो भी हलवा के साथ, मरकट्टा लोगों का चेहरा नहीं। भदोले पास है कि नहीं? देखो, हम लोगों को आपकी मदद चाहिए ताकि हम आपको सुरक्षित बाहर निकाल सकें। और आप सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हौसला कमजोर ना पड़े। और आखिर में पूरे कोल इंडिया को आपकी मदद चाहिए ताकि कंपनी बंद ना हो जाए। बोलिए, करेंगे ना हम सबकी मदद? हाँ सब, हम जरूर मदद करेंगे। जरूर मदद करेंगे। हाँ साहब, हम सब आपकी मदद करेंगे। कोल इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, कोल इंडिया जिंदाबाद, कोल इंडिया जिंदाबाद। सुनिए साहब, कोल इंडिया जिंदाबाद, कोल इंडिया, कोल इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, कोल इंडिया जिंदाबाद। हाउस निर्दोष, बोथ द बेबीज आर फाइन सर। तुम्हारी भाभी ने सौंठ के लड्डू भेजे थे निर्दोष के लिए, सोचा था घर आके सरप्राइज दूंगा, देखो क्या हो गया। कोई बात नहीं सर, उसी लड्डू से हम मुंह मीठा करेंगे। थैंक्स गिल, तुम्हारे आने की वजह से कम बीपी कंट्रोल में है। सर आपने बुलाया? खाना पहुंचा उनका? परिवार वाले बना के लाए थे, हमने नीचे भिजवा दिया है। बोला बोला सुन, बोला बोला ये खा लो, बहरे को भी सबर नहीं है। बोला भूखा रह के कौन सा गैस रुक जाने वाला है, है? और कौन सा तुमको मेडलवा मिलने वाला? अरे मेडलवा तो तारा के मिलेगा रे, ला के सबको फंसा दिया यहाँ पर। तू छूना नहीं हमको, दूर है हमसे, चिटकता रहता। बट बहरा कहेगा, जब से नंगा घूमता था ना तुम, तब से जानते हैं हम तुमका। हाँ, हमेशा गरम तवा पर बैठे रहते हो और अंदर से डरपोक हो। अरे का भोला, काहे कर रहे हो ये गुस्से का नाटक? नाटक हम कर रहे,
नाटक हम कर रहे हैं, तांडो करके बताएं, नाचे छाती पे तरह बहिरा। गोपरो बहरा को खून तो बहाई दिए ना तुम हमरा है, अब अगर प्राण भी लेना चाहते हो तो फिर ये लो, ये पत्थर लो और जड़ दो हमें, सोचो मत, जड़ दो, बांधो खून हमरा। कहाँ हो गया बोला? बस 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 रो मत, रो मत, तू रोता हुआ अच्छा नहीं लगता बोला, बस बस कर, बस चुप कर, चुप हो जा, रो मत, अब रोना बंद कर और खाना खा ले, ये रो मत, रो मत, ये देख, ये देख, ये देख, कहाँ भेजा है तेरे बाबा ने, ये देख, ये है लिखा, नहीं खाना है। अब क्या हुआ? सब लोगों का घर से मांस मछली मुर्गा संदेश और हमरा बापू को कहाँ भेजा, इलौकी नहीं खाना। ये सुधरे का मजा ले रहा है रे भैया। सही तो बोले हम।